अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हम मौजूद हैं उज़्बेकिस्तान के सिटी समरकंद के अंदर, और पूरे उज़्बेकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा स्नैक्स के तौर पर चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसको बोलते हैं सामसा। जैसे पाकिस्तान में, इंडिया में और दूसरे एशियन कंट्रीज़ में समोसे इस्तेमाल किए जाते हैं, पकौड़े यूज़ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग इस चीज़ को सामसा बोलते हैं। ये बिल्कुल समोसे की तरह ही होता है, लेकिन ऑयल्ड फ्राई नहीं होता, इसको ऑयल में फ्राई नहीं किया जाता। चिकन सामसा भी मौजूद होता है और बीफ भी, और कुछ जगहों पर बरान जिसको ये दुम्बा होता है, दुम्बे के गोश्त का भी मौजूद होता है सामसा। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि सामसा कैसे बनता है और उसका टेस्ट कैसा है। मौजूद हैं सामसे, हमने ऑर्डर कर दिए हैं, ये देख सकते हैं। ये तंदूर है, इस तंदूर के अंदर सामसे लगाए जाते हैं, और ये आप देख सकते हैं, या पाकिस्तान, ये आप देख सकते हैं इनके निकालने का भी तरीका। अंदर इस टाइप से निकालते हैं, और यहाँ के जो सामसे हैं वो ऑयल फ्री होते हैं। जस्ट इनके अंदर ये कीमे की तरह जो बीफ है उसको फिल करते हैं और उसी में ये पकते हैं, और टेस्ट में जो है बहुत ज़्यादा लजीज होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत प्यारा स्टॉल है। सामसे ऑर्डर कर दिए हैं और अब जाकर आपको दिखाते हैं कि उनका टेस्ट कैसा है। बहुत चलो चलो चलो, मोस्टली जो सामसे यहाँ खाए जाते हैं वो इनकी एक टमाटो केचप होता है, और टमाटो टमाटो की एक, जैसे पाकिस्तान में टमाटो चटनी होती है, और पाकिस्तान में भी इंडिया में भी जो टमाटर की चटनी होती है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, उसी तरह का एक जो सॉस है वो होता है। और सम टाइम ये सिरका भी यूज़ करते हैं, सिरके के साथ भी चीज़ों को खाना बहुत पसंद करते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। ऑर्डर हमारा आ चुका है और आप हम इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। दो चीज़ जो मैंने आपको बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और दूसरा बिल्कुल ऑयल फ्री है। जैसे मैंने हमने आपको दिखाया कि तंदूर के अंदर बनाए जाते हैं और इनमें ऑयल का कोई इस्तेमाल नहीं होता। खाने का तरीका दिखाते हैं, थोड़ा करीब रहेगा कैमरा में, देखो ये आप देख सकते हैं इसकी क्रिस्पीनेस, देखें आप कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं, और ये लेयरिंग आप देखें। और खाने का जो इनका तरीका है वो कुछ इस टाइप का है, ऐसे सामसे को लेते हैं, वेट थोड़ा सा और तोड़ते हैं, ये देखिए ये अंदर बीफ आप देख सकते हैं, और इसके अंदर ये टोमेटो सॉस है। ये थोड़ा खट्टा मीठा होता है और बहुत अच्छा होता है। इसमें सिरका, सिरके को मिक्स किया जाता है बेसिकली, और इसको ऐसे डालकर और इसको टेस्ट करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा लजीज है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, गरम गरम है और बहुत मज़ेदार है। एक मेन चीज़ आपको दिखाते हैं, ये देखें जो उज़्बेकिस्तान की फेमस चीज़ है और जो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये ग्रीन टी। ये ग्रीन टी है और मोस्टली इसके अंदर लेमन मिक्स किया जाता है, और लेमन ग्रीन टी वो आपसे पूछते हैं कि आपने ग्रीन टी लेनी है या ब्लैक टी लेनी है। और लेमन इसके अंदर आप देख सकते हैं, लेमन डाला हुआ है, लेमन इसके अंदर मौजूद है। और इसको हमने बेसिकली जो शुगर वाली है वो ऑर्डर की है, क्योंकि बगैर शुगर के नहीं पी सकते, इतने भी डाइट कॉन्शियस नहीं है हम लोग। बाकी आपको टेस्ट बताते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि जो यहाँ की ग्रीन टी है वो बेसिकली उज़्बेकिस्तान में ही प्रोड्यूस होती है, और ये यहाँ की लोकल और ओरिजिनल प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल सेंस होती है, जो एक खुशबू होती है ग्रीन टी की, वो इसके अंदर फुल मौजूद है। ये था हमारा वीलॉग जो कि सामसों के बारे में था, और सच में ये बहुत ज़्यादा लजीज हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को रिकमेंडेड कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स मौजूद है, आप हमेशा वहाँ हमें रिकमेंड कर सकते हैं कि नेक्स्ट हम किस चीज़ को रिवील करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।